जी हाँ बिल्कुल अब्दुल मनान जो को शेयर करो इसमत बादशाह के अंपायर का इशारा देखना होगा। अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। यकीनी तौर पर ये गंदे को नकार गेल काफी ऊपर गया था। अंपायर का इशारा नॉट आउट। तो पहली गेंद पे अपील जरूर हुआ था लेकिन अच्छी गेंद थी कासम की जानब से। कोई नुकसान नहीं यंग कान की टीम को। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जो कि सिंध के और टेम्पल के और उस्ताद माने जाते हैं कासम। गेंद करेंगे इमरान समरो को। इस बात पर भी शार्प गेंद बेहतरीन गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं सके इमरान समरो। बैक टू बैक डॉट गेंद इमरान समरो। वो यहाँ पर एक बार सलाम अली कह नदीम को सलाम दो मेरा। कौन सा नदीम भाई? नदीम मेरे जहन में नहीं आ रहा। दो डॉट गेंद का चुके हैं कासम। तीसरे गेंद के लिए इमरान शमरो तैयार हुए। कासम ने दौड़ना शुरू किया। चेंज ऑफ पेस लेग स्टंप पे अंपायर का इशारा देखना होगा। विकेट कीपर से भी मिस हुआ तो एक्स्ट्रे के सूरत में यंग खान की इनिंग्स का आगाज हुआ। दो बगैर किसी नुकसान के टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला। दो बगैर किसी नुकसान के पहले उनका खेल जारी। बासित बलोच अस्सलाम वालेकुम। शहीद रफीक का मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछ के आपको बता दूंगा। दादा जुमा खान भाई दो है स्कोर दो। इस मतलब अस्टम से बाहर अंपायर का इशारा वाइट गेंद। तो तीन एक्स्ट्रे के रन आ चुके हैं अभी तक। तीन एक्स्ट्रे के रन आ चुके हैं। बल्ले का कोई रन नहीं है। एहसान जान आई वेलकम दादा जुमा। पहला इनिंग जारी है भाई। तीन है स्कोर तीन है स्कोर। यहाँ पर कासम गेंद करेंगे अफजल खान को। कासम टू अफजल खान। खेले में कामयाब हुए। वहाँ पर फील्डर मौजूद है सिकंदर। एक रन का इजाफा होगा एक रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ चार चार स्कोर। तो यहाँ पर देखिए चार स्कोर। पहले ओवर का खेल जारी यहाँ पर। चाचर जमील कास्केली वेलकम कहते हैं। भाई नूर को वेलकम कहते हैं। जमील रन करे अकील कलमती इमदाद हुसैन को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम जमील वालेकुम सलाम। इस मत खेल दिया है। वहाँ पर सिकंदर मौजूद है। एक रन का इजाफा होगा। स्कोर पांच। पहले ओवर का खेल जारी पांच है स्कोर। बिल्कुल सलाम मैं पूछ के सलाम दे दूंगा। बिल्कुल मैं कंफर्म करके सलाम दे दूंगा आपका। कासम गेंद करेंगे अफजल खान को। कासम गेंद करेंगे अफजल खान को। इस्मत चेंज ऑफ पेस लेकिन लेग स्टंप से बाहर। लेग स्टंप से बाहर अंपायर का इशारा वाइट। स्कोर जा पहुंचा छह। पैरियर का खेल जारी। छह स्कोर हो चुका है भाई। 150 लेग हो चुके हैं। 150 व्यूअर्स हो चुके हैं। 150 व्यूअर्स हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स करने हैं आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स करने हैं आप लोगों को। कासम गेंद करेंगे अब्दुल खान को। कासम टू अफजल खान। इस बात पर बेहतरीन गेंद दी तो बिल्कुल भी समझ नहीं सके अफजल खान। गेंद विकेट कीपर के हाथों में। किसी रन का इजाफा नहीं। यंग खान वर्सेस शहीद रफीक भाई। यंग खान वर्सेस शहीद रफीक। एहसान इब्राहिम स्कोर है भाई छे छे स्कोर है छे स्कोर। थैंक यू जमील रहमान। थैंक यू वालेकुम सलाम अकील कलंदी। इस मत जिसम पे लगी लेग बाय की सूरत में एक रन का इजाफा। एक रन के साथ तो पहले ओवर के इख्तिताम पर छह सात स्कोर। पहले ओवर के इख्तिताम पर सात है स्कोर। सात है सात मगर किसी नुकसान के। सात मगर किसी नुकसान के। के बी जो क्यों आए वेलकम। इस मत बात अच्छी गेम डॉट डिलीवरी किसी रन का इजाफा नहीं। अली जो क्यों आठ आठ ओवर का मैच है भाई। आठ आठ ओवर का मैच है भाई।
कबूल यकीनन इस ग्राउंड के मालिक तो यहाँ पर अपने वक्त से वक्त निकल कर आए हैं। मुश्ताक मक्सी क्या कह रहे हो, इस मरतबा खेल दिया है अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा, इसको जा पहुंचा 10। सादक जो के आए वेलकम। काशिप जो क्यों नहीं है भाई, काशिप जो क्यों नहीं है मेरे ख्याल में। मजा उठा दिया है, गेंद जाएगी 6 रन के लिए। तो पहला चक्का यंग खान की इनिंग्स का यहां पर लगा। सही दर्शन है भाई। जमील रहीम क्या बोल रहे हो भाई, जवाब दो, पूछ लो भाई। सिकंदर गेंद करेंगे अब्दुल खान को, इस मरतबा बस्टम से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, इसको जा पहुंचा 17। दूसरे ओवर का खेल जारी। भाई फाइनल है भाई, शहीद रफीक और यंग खान के दरमियान है। मुश्ताक मक्सी इमरान सुमरो भाई बैटिंग कर रहा है इस वक्त, मैं सलाम नहीं दे सकता, माजरत, इस वक्त तो बैटिंग पे मसरूफ है, बैटिंग जैसे ही बैटिंग फील्डिंग पे आएगा तो मैं आपका सलाम दे दूंगा, के जो क्या भाई आउट हो गया, फाइनल है। इस मरतबा चेंज ऑफ पेस लीड हुए अब्दुल खान, दूसरे ओवर का खेल जारी, 17 स्कोर हो चुका है, एक चक्का आ चुका है इस ओवर में। फारूक बिल्कुल मैं ठीक ठाक, फारूक चालाकानी बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। जी हाँ जुबेर भाई, आज 500 व्यूवर्स करने हैं, आज 500 व्यूवर्स करने हैं, बिल्कुल अंपायर का इशारा वाइड, एक रन के साथ इसको जा पहुंचा 18। दूसरी ओवर का खेल जारी, 18 स्कोर है। इस मरतबा एक और चक्का अब्दुल खान की बल्ले से, दूसरा चक्का इस ओवर में अब्दुल खान की बल्ले से, इसको जा पहुंचा 24 स्कोर हो चुका है यहां पर भाई। जी हाँ पहले बैटिंग है भाई, पहला बैटिंग है। वालेकुम सलाम सरदार खान, मुमताज बलोच, वालेकुम सलाम। 24 स्कोर हो चुका है भाई, दूसरे ओवर का खेल जारी यहाँ पर, 2 छक्के लगा चुके हैं अब्दुल खान। मंसूर अहमद वालेकुम सलाम, उमेर जोकियो आई वेलकम। इंतजाम कर दिया वहाँ पर साजिद साहब ने, तो वहाँ पर बैटिंग लगा के देखे, बिल्कुल वहाँ पर इंतजाम कर दिया अब्दुल खान को भाई। बैटिंग के बाद में आपको सलाम दे दूंगा। इस मरतबा खूबसूरत शॉट, क्या शॉट कर रहे हैं अब्दुल खान, फील्डर तरफ देखते रह गए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, 28 दो के बाद 28। कोई बात नहीं जुबेर भाई, जैसे ही आप कुछ मसरूफियात, इंसान के अपने मसरूफियात होते हैं जिसकी बात हो, हर जगह पहुंच नहीं सकते। रियान बलोच जफर बिल्कुल अंपायर है, जफर अंपायर है आपके सामने, आप देख रहे हो भाई, यूनाइटेड ग्राउंड काटोर भाई, काटोर पे हो रहा है मैच, काटोर पे हो रहा है, 2 के बाद 28 भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, 181 व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स अपने आईडी में शेयर करते जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं आज के मैच में। कासम गेंद करेंगे इमरान सुमरो को, कासम टू इमरान, खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, कैच आउट, इमरान सुमरो को जाना होगा भाई, इमरान सुमरो आउट हो गए। 28 के स्कोर पर पहला नुकसान, 30 ओवर का खेल जारी यहां पर। हिंदी भाई इमरान आउट हो गए, बख्तम कहते हैं अहमद जान को, अपना रनअप भूल गए वापस,
आजी अब्दुल रजा करें गुड मॉर्निंग कासम और चुट्टो कह रहा है जबर जो के बिल्कुल जबर को मैं आपका सलाम दे दूंगा, बिल्कुल जबर को मैं आपका सलाम दे दूंगा भाई कासम टू अब्दुल खान शॉट गेंद अच्छी गेंद बीट हुए अब्दुल खान किसी रन का इजाफा नहीं बिल्कुल हमारे दरमियान पहुंच चुके हैं एमसीडीए के जनरल सेक्रेटरी अखिल पाला के साथ एमसीडीए के चेयरमैन महबूब के साथ जी हां 200 व्यूअर्स हो चुके हैं भाई 186 व्यूअर्स तकरीबन दो कासम टू अब्दुल खान कासम टू अब्दुल खान अच्छा पेस लेकिन लेग स्टंप से बाहर अंपायर का इशारा देखना होगा अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल 29 है स्कोर इज्जत खान कह रहे हैं गुड लक सईद हसन नईर वहीद कह रहे हैं गुड आसिफ अली जो कह रहे हैं सईद हसन को सलाम दो बिल्कुल मैं आपका सलाम दे दूंगा सईद हसन को बस आप लोग वीडियो को शेयर करते जाए कासम टू अब्दुल खान खेल दिया है गेंद जाएगी 4 रन के लिए या नहीं जी हाँ गेंद जाएगी 4 रन के लिए अब्दुल खान का बल्ला चलता हुआ अभी तक स्कोर जा पहुंचा 33 पहला बैटिंग है दीनो मंदाशारी पहला बैटिंग है भाई 33 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी अम्माद बलोच इस्माइल को बिल्कुल मैं आपका सलाम दे दूंगा इस्माइल को मैं आपका सलाम दे दूंगा बिल्कुल जायद हुसैन आए वेलकम जायद हुसैन आए वेलकम 200 व्यूअर्स हो चुके हैं 200 हो चुके हैं व्यूअर इस्माइल का खेल दिया है वहां पर फील्डर मौजूद है एक रन का इजाफा होगा एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 34 सईद हसन स्ट्राइक पे आ चुके हैं भाई समझ चेंज कैसे हो भाई बिल्कुल मैं ठीक हूँ अकील कलमती थैंक यू आपने बलूचिस्तान के ग्रुप में शेयर कर दिया थैंक यू जुबेर लाशारी थैंक यू मोहम्मद आजम करें कंग्रेचुलेशन प्रिंस बयास काचेलो कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ सईद हसन चेंज ऑफ पेस हल्का सा ग्लांस किया पाइन लेग की जानब एक रन का इजाफा स्कोर जा पहुंचा 35-30 का खेल जारी रजा खान बिल्कुल मैं ठीक ठाक फाइनल मैच है जी हाँ आकाश भाई फाइनल मैच है बिल्कुल फाइनल मैच है सईद शुआज आई वेलकम सईद शुआज 208 व्यूअर्स हो चुके हैं भाई 208 हो चुके हैं ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स करने हैं डॉट गेंद तो 3 ओवर के बाद 35 भाई सबने बोली थी शर्पे अच्छी गेंद सामने आकर इस गेंद को दिफाइंदाज से खेला रन बनाने का कोई मौका नहीं यहाँ पर वक्कास अपने बोलिंग निशान पे बिल्कुल तैयार होते हुए अफजल बहुत ही उमदा और शानदार बैटिंग यहाँ पर जारी दोनों भाई अफजल और सईद हसन देखते हैं नौजवान के साथ बिल्कुल हर वक्त ज्यादातर फाइनल पोजीशन पे तैयार आएगी जी एक और उठता हुआ स्ट्रोक स्ट्रेट खेला है और गेंद जाएगा बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए अफजल के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का बहुत ही जबरदस्त यहां पर बैटिंग जारी और इस गेंद को स्ट्रेट खेला जिनके लूज डिलीवरी दी और उसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए फिर अपने तैयार होते हुए क्योंकि यहां पर कम टारगेट पे डिपेट करना होगा शहीद रफीक को अच्छा बॉलिंग अटैक मौजूद है यंग खान के पास दौड़ते आए पर पासवे गेंद थी इस बार भी इस गेंद को खेलना चाहते थे सही तरीके से कामयाब नहीं हुए लेकिन एक रन जरूर बनाने में कामयाब हुए दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल किया बहुत ही उमदा रनिंग 52
स्कोर 52 इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। बक्कास अपने बॉलिंग निशान पे तैयार और क्या है पर पसरे गेंद की एक और उठता हुआ स्ट्रोक इस बार लगने के लिए सर के ऊपर वहां पर गेंद जाएगा बॉडी से बाहर अफजल के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का बहुत ही जबरदस्त यहां पर अफजल की बैटिंग जारी। शहीद रफी को इस मैच में रहना है तो अफजल से जल्द छुटकारा दिलाना होगा। और असलम सालारी से गुजारिश है कि हमारे कामत भी बॉक्स में आ जाए। असलम सालारी जहां भी मौजूद है फिर आएगी जी अच्छी गेंद इस गेंद को सामने खेलते ही दौड़ पड़े एक रन के लिए आगे की अच्छी गेंद इस गेंद को खेलना चाहते थे सही तरीके से कामयाब नहीं हुए एम्पायर का इशारा कि ये वाइड बॉल तो यंग खान वर्सेस शहीद रफीक बहुत ही उमदा और जबरदस्त यहां पर मैच जारी। अगर इस मैच में रहना है तो इस जोड़ी को तोड़ना होगा शहीद रफीक को क्योंकि बहुत ही जबरदस्त दोनों भाई बैटिंग करते हुए खासतौर पर अफजल खान आएगी जी अच्छी गेंद इस गेंद को संभल लगी रन लेना चाहते थे इसी तरीके से कामयाब नहीं हुए। जरूरत सही है टूर्नामेंट में वो मुकम्मल पूरे गया और सलाम पेश कर लो जनाब सलीम कलमती बलोच साहब दातरी बलोच साहब आजम हमीद बलोच साहब आखिर जो कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई मेन किरदार रहा है खान सागर है ज्यादातर यंग खान सिटी की स्पोर्ट्स जेके टूर्नामेंट करेगा इंशाल्लाह और अब्दुल वहीद पता तो सुख हो गया है इख्तिताम को बेहतरीन कयो है सिटी की स्पोर्ट्स के नौजवान और यहाँ पर हेड विकेट हो गए इस बार अच्छी डिलीवरी बहादुर बहुत ही बढ़िया कमाल का ये मैच है कमाल के खिलाड़ी और कमाल के दर्शक कमाल के हमारे मेहमान सबको स्वागत करते हैं यहाँ पर रोमांटिक मैच की कहानी असलम बालारी के जमाने बहुत ही बढ़िया मैच इस फाइनल में जितना दबाव है इस गेम को धकेलना चाहते थे शायद अंदरूनी भाग लगा या नहीं लगा इन पा का निर्णय देखना पड़ेगा ये क्या आता है लेकिन कोई निर्णय नहीं इसका मतलब है कि बल्ले से लगे नहीं आते लेकिन यंग खान की अगर आप तारीख उठा के देखेंगे इस टीम ने यहाँ पे भावा बोल के रखा है 2015 से लेके 2021 तक 5 साल तक इसने राज किया 2 दफा एनसीडी की चैंपियन ट्रॉफी भी जीता की उसके बाद छोटे मोटे टूर्नामेंट जीते जितने भी एनसीडी के जंगल के टूर्नामेंट चलते हैं वहाँ पे यंग खान की टीम आगे आती है लेकिन शहीद यहाँ भाई उस्ताद शाहजहान पहुँच गया अभी उस्ताद शाहजहान बिल्कुल पहुँच चुका है ग्राउंड में कुछ ही लम्हों में यहाँ पर प्रिंस सलमान भी लाइव बॉलर हाई गेंद की शॉर्ट पिच डिलीवरी बेहतर बॉल अच्छी डिलीवरी लोड बॉल हुआ है भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम आके बलोच भाई मैं ठीक हूँ आप आके बलोच भाई आप सुनाओ बदल जो क्यों आए बोला आई गेंद की क्लास बेहतरीन स्ट्रोक वंडरफुल मिडिल 6 रन के लिए गेंद बाउंड किए बाहर थैंक यू सो मच लाला एजाज जो क्यों भाई थैंक यू स्कोर आपको बताएं वाह सलमान भाई वाह थैंक यू के शात्रन दास किरणपानी भाई आप सलमान भाई हो जी जी बिल्कुल अशरफ भाई अशरफ खान भाई मैं सलमान हूँ स्कोर बताओ शाह बलोच भाई मैं स्कोर बताता हूँ उस्ताद शाहजहान के ये दोस्त हैं तो इन्होंने उस्ताद शाहजहान को दावत दी थी उनको चीफ गेस्ट रखा था ये फाइनल टाकरा जारी है तो मैं उस्ताद के साथ ही आ गया हम कराची में थे इस वजह से भाई और फाइनल एंजॉय करें आके बलोच के रहे अलहमदुल्ला भाई थैंक यू सो मच नकीब खान के रहे हाय हाय टू भाई वेलकम भाई थैंक यू अशरफ खान स्कोर बताओ सर आपका स्कोर बता दें थैंक यू अफजल हसन बलोच भाई
इंशाल्लाह यंग खान विंडी मैच खेल रहे हैं यहाँ के बलोच। बिल्कुल भाई, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बॉलर रेडी, आई गेंद की शॉर्ट पिच डिलीवरी, अंपायर का इशारा। वालेकुम सलाम वली जोके भाई, मैं ठीक हूँ अब्दुल मनान जोके भाई। मीर हसन भाई वालेकुम अस्सलाम। कामरान और जानू ब्रदर कम से यार, ये मुझे पता नहीं है भाई। जी जी लाड लाए क्या भाई, उसको ठीक कर दिया। अलहमदुल्ला शाकिर जो क्यों भाई, छह ओवर के बाद 80 स्कोर है, फाइनल टाकरा जारी है भाई। बॉलर कौन है, बॉलर कौन है, बैट्समैन बहादुर अली हैं बॉलर, गुल हसन हैं बैट्समैन। आप अपनी कमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपने पैसे करते हैं यार, मैं भी करता हूँ सेकेंड इनिंग में भाई। प्रिंस सलमान बिग फैन है, थैंक यू अब्दुल मनान जो क्यों भाई, बड़ी मेहरबानी, आपको खुश करेगा। छः ओवर के बाद 80 है स्कोर, गुल हसन करेंगे स्ट्राइक, गेंद करेंगे बहादुर अली, बड़ा फाइनल है। 8 ओवर का मैच है, बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन नाइट इवेंट जारी है काठोड़ में। ओ वेल बॉल, अच्छी डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस था, एक ही रन मिलेगा। कैमरा सही करो, कैमरा सही तो है भाई। विनिंग प्राइस क्या कितना है आके बलोच भाई, विनिंग प्राइस है मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल। नजीर जो सलमान भाई वेलकम, थैंक यू सो मच भाई। दोपहर लाचारी का मेटर, सलाम सलमान भाई वालेकुम अस्सलाम। आकाश भाई फील्ड में जो क्या आपके साथ खड़ा है पता नहीं है भाई। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो, ये भी किसी से कम नहीं है। अहमद जान भाई, अशरफ खान भाई, सलमान भाई क्या हाल है, तालिब हुसैन चांडियो भाई कह रही है, आप सुनाओ। सजाद जोशी भाई वालेकुम सलाम, रमजान खान भाई वालेकुम सलाम, उस्ताद अहमद जोशी भाई वालेकुम अस्सलाम। स्कोर कितना है भाई, स्कोर आपको बताते हैं। बहादुर गेंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, गोल हसन शॉट खेल दिया है, फील्डर मौजूद हैं और बेहतरीन कैच पकड़ा है, विकेट गिरेगी, गुल हसन आउट होके पवेलियन में वापस। बॉलर तैयार, गेंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे बैट्समैन, बॉलर आई गेंद की वेल बॉल, वेल बॉल, अच्छी डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा है वाइड बॉल। वेलकम टू मलीर सलमान भाई, थैंक यू सो मच भाई। ये मलीर है या काठोड़ है, मैच अपडेट दो भाई, मैच अपडेट भाई आपको देते हैं, थोड़ा वेट करो। वालेकुम सलाम भाई, बॉलर तैयार, गेंद करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, गुल हसन। ओ बड़ा हिट खेलना चाहते थे, ग्राउंड शॉट गया है, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग नहीं, फंबल हुआ हुआ है बॉल, दो रन कंप्लीट, डिस्ट्रिक्ट मलीर है। अच्छा अशरफ खान भाई, अच्छी मक्कू है देखिए, तेज रफ्तार बॉल, डोर बॉल हुआ है, अच्छी बॉलिंग बहादुर की जाने से जारी है। जी हाँ बिल्कुल, तो मैच शुरू करेंगे, स्कोर का क्या हुआ जारी, 84
84 स्कोर है, सातवां ओवर जारी है। सब देखते हैं कि कितना टोटल है यहां पर सरकने में कामयाब होते हैं। बहादुर ग्रेट बॉल बिल्कुल भाई तैयार होते हुए सेमीफाइनल के हीरो अपने बॉलिंग करके तैयार। नो बॉल कॉल बाय अंपायर, ग्राउंड शॉट गया है, एक रन कंप्लीट, दूसरे की कोशिश होगी नहीं, एक ही रन मिलेगा। और यहां पर 113 रन भी शहीद रफी ने, तो कम से कम कितना टारगेट ऐसा करना होगा यंग खान को। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैंने पहले बोला दिया है कि मेरी भविष्यवाणी के 110-120 तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं यंग खान जी, क्योंकि इनके पास बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, तो इसके हिसाब से इनको रन की बोर्ड पे बड़ी बढ़िया लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे नो बॉल है, इसका फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं बल्लेबाज, वक्तार है यहाँ पर। अच्छी चेंज ऑफ पेस, ग्राउंड शॉट और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया दौड़, दो रन यहाँ पे निकाले हैं, सात के बाद स्कोर की गति पहुंची है। लास्ट ओवर जा रही है, आठ ओवर का फाइनल है, शॉट चला है, ग्राउंड शॉट चला है और एक ही रन मिलेगा इस इनिंग के बाद। मैं अपने पेज पर भी लाइव आऊंगा भाई, मैं अपने पेज पर भी दूसरी इनिंग लाइव चलाऊंगा सिंधे बॉल क्रिकेट पर, जितने भी भाई देख रहे हो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैं अपने पेज पर भी इसके बाद चलाऊंगा भाई। वालेकुम सलाम भाई, बेल बॉल, डॉट बॉल है, सलमान भाई कमेंट करो बैटिंग कौन सी, यार पता ही नहीं है यंग टीम कौन सी है और सामने वाली कौन सी है, पता ही नहीं है, बताओ मुझे। 13 रन भी मेरे ख्याल में शायद चेस कर लिए हैं, क्योंकि आपने पूरा अच्छी बॉल वकास की, एक ही रन मिलेगा इस पूरे फाइनल मैच की। आप इसकी पूरी अपडेट चुनाव एचडी न्यूज पर कल 9 बजे के बुलेटिन में देख सकेंगे असलम पालारी के साथ, और इंटरव्यूज खेल और खिलाड़ी और हमारी मैशियत, बहुत सारे प्रोग्राम अभी इंशाल्लाह रमजान के बाद आने वाले हैं। एंकर पर्सन आप बहुत जल्द इन पूरे वो मेरे साथ चुनाव एचडी न्यूज पर। फाइनल टकराव है, स्कोर तकरीबन 90 प्लस है। अच्छे ऑल ओवर बॉल, डॉट बॉल है, अच्छी बोलिंग जारी है वकास की जानिब से अभी तक। बहुत ही लाजवाब टीम बनाई है अनवर साले ने, टीम ने मेहनत की है, कोचिंग की है, इस टीम को ने जान डाली है कि फाइनल में पहुंचे, बड़ी बड़ी टीमों को हराया यहाँ पे फाइनल में। कोई कह नहीं सकता कि क्षेत्र की टीम इतने सालों के बाद किसी मेगा फाइनल में आई, लेकिन इन्होंने कुछ कर दिखाया। वो बॉल है अंपायर का इशारा, यकीनन दो रन कंप्लीट करेंगे, अच्छी रन बिटवीन विकेट तमाम आयल मौजूदगी को असाज मेहमान जो तारीफ कराई हुई है टीम की। और हमारे एक और मेहमान है, गुलशन मेहमान से ताल्लुक रखते हैं अकरम कबूर साहब भी मेरे ख्याल में यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर आ चुके हैं और नो बॉल का यहाँ पे इशारा है इंपार के वकार की तरफ से। अब नो बॉल में कितने रन यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों टीमों को ओवर जैसे ही समाप्त होगा अगर दोनों टीमों के कप्तान अपनी टीमों को लाइनअप कराएं विकेट के ऊपर, वहाँ पे हमारे मेहमान कासिम का तारीफ कराया जाएगा। आखिर कुछ गेंदें रह चुकी हैं, खुली हैं बल्लेबाज, यहाँ पे फ्री हिट मिला है, फ्री हिट से कितना लाभ उठाना है ये बल्लेबाज को सोचना है। लॉन्ग बॉल है, मिड ऑन है, क्रिकेट का कवर दे खिलाड़ी रिकॉर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर है, बहुत ही बढ़िया फील्ड प्लेसिंग कप्तान के द्वारा। एक बार फिर से गेंद की बड़े कैप्टन पीटर ऊपर है, लेकिन उनके ऊपर नो बॉल है, जिन अंपायर का इशारा गेंद जाएगी यकीनन 4 रन के लिए।
और गेंद गेंद गई है बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। अब्दुलरहमान भाई वाले को 103 का टारगेट है भाई, 103 का टारगेट है, 103 का टारगेट है, 103 रन का। सिकंदर सामना करेंगे सलीम मलिंगा आगे की शांत गेंद विकेट कीपर के हाथों में रन बनाने का कोई मौका नहीं। सलीम मलिंगा तमाशे के शोर बुलंद होता हुआ यकीनन बैटिंग मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान सलीम मलिंगा राइट आर्म ओवर देते हुए सामना करेंगे सिकंदर अपनी गोली के निशान में तैयार 103 के टारगेट बाजा चुके थे और पांच से कैसे गेंद की बहुत ही तेज स्ट्रीम गेंद आ रही है मगर अभी तक जगह की बात कौन कौन सा शहर आप पा लिया थे बड़ा जोड़ी यहाँ पर क्रीज पर मौजूद सिकंदर और रहमान बहुत ही उमदा खेल का मुजाहरा करके अपनी टीम को फाइनल में जरा रसाई यहाँ पर मुमकिन बनाया और रहमान ने बहुत ही उमदा बैटिंग का मुजाहरा किया ग्राउंड के चारों तरफ बहुत ही उमदा स्टेप खेले देखे आज फाइनल में कैसे खेले आगे जी बहुत ही शानदार डिलीवरी मुकम्मल तौर पर जीत गई और जीत गई विकेट के बल्ले हाथों में जी उमदा आपको रन बनाने का मौका नहीं बहुत ही तेज सलीम मलिंगा साइड हसन को जिसको मशवरा देने के लिए आए हैं कि किस तरह की बॉलिंग डालनी है आपको बेहतरीन गेंदे डालते हुए यकीन है जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान देखने को मिलेगा चाय की क्रिकेट को सलीम मलिंगा अपने बॉलिंग के निशान से तैयार और रियाज बलोच और फजल बलोच बहुत वेलकम देते हैं फिर भी गिराए थे हमारे कॉमेटी बॉक्स के अंदर बिल्कुल स्टेज पर और साईं गुलाम मुस्तफा जो है अजरक का तोहफा पेश करेंगे फजल बलोच को साईं गुलाम मुस्तफा अजरक का तोहफा पेश करेंगे फजल बलोच को यकीन हमारे मेहमान गिरामी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान मौजूद है फजल बलोच तो यकीन पहले ओवर के चांपा जो रनों की घटी जा रही है पहले ओवर का खेल जारी है अभी यकीन है सलीम मलिंगा अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार तीन रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं चार एक विकेट के नुकसान पर अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्ले पास है रेमान सलीम मलिंगा बाद चुके तेज पास खेलेंगे कामयाब एक गेंद के भी खेलेंगे कीपर अफजल के हाथों में रन बनाने का मौका नहीं शॉर्ट बॉल मेहनत की जरूरत है अगर स्ट्रेच को जीतने टाइटल अपने नाम करना है तो आपको छक्के और चौके लगाने होंगे वरना इस टाइटल से आपको यकीन हाथ गवाने पड़ेंगे एक बेहतरीन टीम यंग चांग मरीन के अंदर टॉप पे मौजूद एक बार फिर भाग चुके थे Thank you.
इस वक्त हमारे इस फाइनल के चीफ गेस्ट बात करिए बलोच साहब मौजूद हैं, हम उनसे उसके खयाला पूछती मीटिंग वो ग्राउंड के हवाले से क्या करेंगे और टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट सजा उसके हवाले से क्या करेंगे। तो हम अपने चीफ गेस्ट के पास जा रहे हैं। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि सर आपने टाइम दिया। सर क्या कहेंगे नौजवान खिलाड़ी खेल रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से जिस तरीके से गर्मी क्या और बाकी जो हमारे मेहमान के लिए पिंडदान सजाया हुआ है। उनकी ये जो बारिश हैं कोशिश है बड़ी मजबूत है जिसमें मैं इतना क्राउड देख रहा हूँ, कोचिंग देख रहे हैं नौजवान जो इंटरेस्टेड हैं लेकिन खेल ये ऐसे ग्राउंड में लगाते हैं बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर ने बड़ा एक जबरदस्त ऐलान कर दिया है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, वैसे आज मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो फिर डाइट के जितने भी एक आ जाते वो दादर बलोच साहब जो वो दादकरी बलोच साहब जो वो अपनी तरफ से यहाँ पे टूर्नामेंट कमेटी को बोया करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अपने बोलने के निशान से तैयार बादशाह के तेज पास एक ग्रास खेल की रहमान को इस बार तेज तो करने में कामयाब फिर मौजूद है। अब जब कहा इस को तीन करके दो करके एक अंक का इजाफा 24 को 124 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी। हमारे इस पूरे टूर्नामेंट में आजम कलमती साहब ने हमें बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया है और यहाँ पर वो मौजूद हैं और कमेंट्री भी आपको गुलजार का बुला के आगे सुनाया गया था। एक बार फिर इस बार अच्छी की जा रही है, बहुत ही शानदार देवी और टूर्नामेंट के खूबसूरत ट्रॉफियां यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफियां अब सजाने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर सिक्सिंग की स्पोर्ट के खिलाफ तो बेहतरीन ट्रॉफिया के प्राइज कौन लेके जाएगा बच्चों में बोलते हैं राणा देश का कबोली बोलते हैं जो है बड़ोसी में बोलते हैं पार बच्चे सिंधी में बोलते हैं छुट्टो। इस बार अच्छी गेंद आ रही है, बहुत ही शानदार देवे रनबाज का लोगों ने शॉट बॉल निकालने में कामयाब जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान यकीन सही ट्रैफिक का मुकाबला यंग कार की टीमों के दरमियान सही दशा अपने बोलिंग के निशान पर तैयार वो काशो गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड लेवे के गेंद करने का फैसला किया अब तक बेहतरीन जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है यहाँ पे और तीन गति का गेंद चमका दिया यहाँ पे भले बाज को गेंद थोड़ा सा घूमते चली गई यहाँ पे जैसे हिंदी में कहती के ससुरा गेंद ने फिरकी मार दी ऐसा ही यहाँ पे फिरकी वाला बॉल यहाँ पे दिया वकार से उम्मीद है यहाँ पे शहीद रफी के बहुत ही बढ़िया बात सराई लिए भले बाज है कमाल का इनका प्रदर्शन है पूरे टूर्नामेंट है इस खिलाड़ी ने करके दिखाया है क्योंकि जब आप किसी जीत के लिए निकलते हैं अगर विश्वास है तो फिर आप बहुत ही बढ़िया खेल पेश कर सकते हैं। यहाँ पे फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं जो फील्ड प्लेसिंग यहाँ पे कप्तान ने दी है मिड विकेट है लॉन्ग बॉल है डी डी स्क्वायर है डी स्क्वायर है लॉन्ग में और बैकवर्ड पॉइंट ऊपर है मिड एक्स्ट्रा कवर ऊपर है मैदान ऊपर है सारे खिलाड़ी बॉडी रहेंगे ऊपर रखें सवाए विकेट कीपर के सही एक बार फिर से
पांच ओवर बताएंगे। अफजल खान भाग में चुके थे गेंद की बहुत ही शानदार और खतरनाक डिलीवरी और यहां पर विकेट कीपर सही तरह कनेक्टमेंट कामयाब नहीं हुई। रन बनाने का मौका, रन आउट के सूरत में जाना पड़ेगा। एक और धचका, दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। नाइस भाई कहते हैं सलाम वालेकुम असलाम भाई, कह रही है ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, मिजाज ठीक है। यकीन है 73 रन दरकार है 29 गेंदे 73 रन। दूसरी तरफ 8 विकेट दरकार। उठा के खेले हवा में शुड बी टेकन और कैच गिरा दिया, कैच गिरा दिया यहाँ पर भैया अदनान जाफरी। कहते क्या है भाई, मैं अनवर साले हूँ। ओ अच्छा अनवर भाई कह रहे थे ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। हाजी साहब गुलजार भाई कहाँ है हाजी साहब, आपकी कमी महसूस हो रही है। वालेकुम सलाम अब्दुलरहमान रही मंगे खान। जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान, यकीनन इस वक्त जारी यूनाइटेड गबोल क्रिकेट ग्राउंड में जबरदस्त मुकाबला। मोहम्मद शोभान पारारी कहते सलाम वालेकुम सलाम, मुबशिर फयाज कहते रन से 32 हो चुके। उठा के लिए हवा में एक और कैच है, नहीं फील्डर थोड़ा दूर है, एक रन का और इजाफा। रन भाई 33 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर का खेल जारी, 103 रन के ताकुब का पीछा करते हुए बस सिद्दीकी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 द बिग मैच। वालेकुम सलाम बिलाल कैरियर से हैं, सलाम के यहाँ आए कहाँ से हैं बराराज भाई, यूनाइटेड गबुल क्रिकेट ग्राउंड है, एमडी नूर गबुल कहते हैं। इस बार उठा के खेले, बॉल जाएगी ग्राउंड के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और खेल जाएगी ग्राउंड के बाहर चार रन के लिए, बहुत ही शानदार। सादिक खान कहते हैं गुल हसन को सलाम देना, वालेकुम सलाम दे दूंगा मेरे भाई जरूर। मुबशिर फयाज कहते हैं रन भाई रन हो चुके 37 for 2, 37 रन हो चुके 100। शाकिर जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, वालेकुम सलाम भाई कैसे हो ठीक ठाक हो। डीप कवर के ऊपर से बहुत ही बढ़िया। हाजी साहब गुलजार आई मिस यू, यकीनन एक बार फिर भाग चुके थे। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन का इजाफा यहाँ पर, नहीं दो रन का इजाफा, एक रन का इजाफा सॉरी। 8 ओवर का मैच है भाई। इरफान सरवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम सदाम सुजु कहते हैं हाय कैसे। यूसुफ खान वही विन यंग खान देखते हैं भाई जो हाय कहते हैं। अब्दुल मन्नान जो कहते हैं वकास हमद रही में सईद को सलाम वालेकुम सलाम दे दूंगा भाई। लाशारी ब्रदर्स सी सी सईद हसन कितने के है आज, थोड़ा कम बना। इस बार उठा के खेले बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर छक्का बचाने में कामयाब। बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाना चाहते थे मगर आखिरी लम्हात में जाकर फील्डर ने एक हाथ से इस गेंद को रोकने में कामयाब, तो सिर्फ एक रन का इजाफा। अफजल को बोलो कॉल करें मुझे उस्ताद उस्ताद अच्छा इमाम दीन। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार डिलीवरी, हाय कहते सदाम, एक रन का इजाफा 43। यार शायद जो क्यों सलाम दे दूंगा बिल्कुल सईद हसन को भी बोलो। अच्छा सईद भाई इमाम बोलते हैं मुझे कॉल करना, कर देंगे भाई। सादिक खान कहते हैं मैच काठोड़ में है, जी हाँ बिल्कुल मैच काठोड़ में हो रहा है। एक बार फिर अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार सलीम मलिंगा, राइट आर्म ओवर द विकेट, भागना शुरू किया तेज हुए अंपायर से क्रॉस का खेत की हवा में, फील्डर कोई करीब ही नहीं है, विकेट के पीछे विकेट कीपर सईद हसन जाके इस गेंद को फील्ड करेंगे। एम डी नूर गबोल कहते हैं अद्दा कहाँ से बरा रहता है भाई, काठोड़ यूनाइटेड गबोल क्रिकेट ग्राउंड से इमाम हूँ मैं उस्ताद मुझे पता है। बेस्ट बॉलर का अवार्ड के नहीं गुजर भाई, पता नहीं यार ट्रॉफियाँ तो काफ़ी पड़ी हैं, किस प्राइज पड़ा हुआ है किसको जाएगा। एक बार फिर सलीम मलिंगा अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार, वकास को गेंद है सॉरी अब वकास नहीं है, बल्लेबाज का नाम मुझे नहीं आता। रन कितने हैं मेरे भाई, 43 है। स्पीकर वहाँ पर बंद हो चुका है तो यकीनन जैसे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको बताऊँगा। एक बार फिर भागना शुरू किया तेज हुए अंपायर से क्रॉस का गेंद की, इस बार इस गेंद को निकालने में कामयाब, फील्डर मौजूद है, एक रन का और इजाफा। मुजम बलोच कहते हैं रन्स कितने हैं भाई बताऊंगा। शेरू शेर कहते हैं हाय कैसे हैं सलीम भाई, सलाम भाई वालेकुम अस्सलाम, सलाम गुलजार भाई, जुल्फकार गबोल, जुल्फकार अली गबोल कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त मुकाबला यूनाइटेड गबोल क्रिकेट ग्राउंड में, एक और मेला इसके बाद सजेगा अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो, इंशाल्लाह तकरीबन 7 दिन के अंदर
अगर लग गया तो माजरा। एक बार फिर अंपायर से क्रॉस किया गेंद की, इस बार इस गेंद को निकालने में कामयाब फील्डर मौजूद है। ऐसे लग रहा है एक और टाइटल यंग खान अपने नाम करने जाएगा। चलो ठीक है जी हाँ, बहुत शुक्रिया जमशेद बलोच के। जाकिर कहते हैं बैट्समैन दूसरा भाई, एक वकास है, दूसरे का नाम मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताता हूँ। नए बैट्समैन लग रहा है, एक बार फिर अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार। लाला अजीज जोकियो कहते हैं बैट्समैन, तो यकीनन अब नाम पूछना पड़ेगा। एक बार फिर सलीम मलिंगा राइट आर्म ओवर द विकेट, भाग चुके थे तो अंपायर ने क्रॉस का गेंद की डॉट बॉल। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल। बहुत बड़ी तादाद मौजूद है आज यूनाइटेड क्रिकेट ग्राउंड में, खच्चा खच भरा हुआ है। यकीनन काफी चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खास यहाँ मौजूद है। सलीम मलिंगा एक बार फिर अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटे नंबर के साथ गेंद करेंगे। बहुत ही तेज तीन गेंदें डालते हैं सलीम मलिंगा, भागना चुके तेज अंपायर से क्रॉस का गेंद की उठाने के लिए बॉल जाएगी इस वाले के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, छक्का, राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर से क्रॉस का गेंद की इस बार खेलने में कामयाब फील्डर मौजूद है, रोक पाएंगे नहीं देखना पड़ेगा। और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर, 2 रन का और इजाफा। 11 गेंदें 32 रन। भाई 103 का टारगेट है, 32 रन रह गए, बाकी सब आप लोग कर लो। और ये बॉल ग्राउंड के बाहर 4 रन के लिए, ये ग्राउंड भैया ग्राउंड के बाहर एक और छोका। DHA जान भाई कुछ भी हो सकता है, शहीद रफीक जीतेगा, ताहिर कादिर कहते हैं यंग खान वेन, शाकिर जोकियो, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। पिछले 7 गेंदों में 26 रन बन चुके हैं, 7 गेंदों में 26 रन बन चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रहीम कहते हैं बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, 28 रन दरकार, 28 रन दरकार, 10 गेंदें 28 रन, 4 छक्के। एक बार फिर इस बार इस गेंद को निकालने में कामयाब फील्डर मौजूद है, 1 रन का इजाफा और गेंद ग्राउंड के बाहर 4 रन। Wow, excellent match in the big match. Wow, बेहतरीन मुकाबला भैया। Wow, first class, good placement in the good power. 26 रन, 24 रन रह गए मेरे भाई, 24 रन। आज कमेंट्री को छोड़ो, डू द डस करते हैं भाई। वाओ लवली फास्ट मेमन कहते हैं 24 रन यंग खान, लवली फास्ट खान कहते हैं गटा पे बॉल क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल गुलजार, सलाम वालेकुम अस्सलाम DHA जीशा अनल बलोची कैसे हैं, मोइन कलमती कैसे हैं, शमशाद जो क्यों हाय भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कहानी में है ट्विस्ट भैया, ये है सियासत की तरह बदलते हालात। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ खान कहते कुछ भी, वकास बनेंगे नुमान अलबलोची, जबरदस्त मुकाबला, सिद्दीकी क्रिकेट टूर्नामेंट, सलमान कबूल हा हा, मोहम्मद वनज जोखे कहते हैं शाकिर जोखे टेंशन नहीं। मैच कहाँ चल रहा है भाई, यूनाइटेड कबूल क्रिकेट ग्राउंड काठोड नजबेरिया टाउन कराची। 9 गेंदे 24 रन। अब भैया इस गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद है नादिर खान, मिस फील्डिंग और ये 2 रन। प्रेशर में तमाशाई का शोर, बुलंदो बाला शोर, चारों तरफ से तमाशाई का शोर गूंज उठता हुआ। वाह भैया क्या मैच हो रहा है, 22 रन रह गए,
राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से क्रॉस किया और अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार डिलीवरी, बहुत ही शानदार डिलीवरी, शॉर्ट बॉल। सात गेंदे 22 रन। बहुत ही बढ़िया मुकाबला किया यहाँ पे रफी की टीम ने, अभी भी कहानी चल रही है, क्या कमाल का ये फाइनल हुआ है, बहुत सारे दर्शकों ने फाइनल होगा, लेकिन आज सब कुछ उलट पुलट हो गया है। एक बार फिर और अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार डिलीवरी, छह गेंदे 22 रन। के निशान पे तैयार वकास को भागना शुरू किया, तेज अंपायर ने क्रॉस का गेंद की शॉर्ट पिच गेंद, छह गेंदे 22 रन। वाओ बिग मैच, पांच गेंदे 22 रन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कम से कम 450 होंगे मेरा अंदाजा है, एक बार फिर और बॉल जाएगी ग्राउंड के बाहर, 4 रन के लिए बॉल जाएगी ग्राउंड के बाहर, 18 रन, 4 गेंदे 18 रन। भाई लोग बहुत देख रहे हैं, पहले ही बोला था की आंद्रे रसेल की तरह खेलते हैं और आज करके दिखाया है भैया वाकई, 4 गेंदे 18 रन, मुश्किल जरूर है, नाम उसमें नहीं है भाई, यहाँ बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया खेले अपनी टीम के लिए, 4 गेंदे 18 रन, 3 छक्के या 2 छक्के 2 चौके, वाइड नो बॉल होगा नहीं, अंपायर से क्रॉस का गेंद की, ओ बॉल ग्राउंड के बाहर भैया, छक्का, वाह वाह, डू एंड द डाई एंड द डस डस डस, तीन गेंदे बारह, ये देखो भाई ये क्या हो रहा है यार, इतने लोग, तीन गेंदे बारह रन, बहुत ही बढ़िया, क्राउड चारों तरफ मौजूद, यकीनन यूनाइटेड कबूल क्रिकेट ग्राउंड खचा खच भरा हुआ, नादिर परेशान टीम के कैप्टन, यस नो बनेंगे नहीं बनेंगे देखना पड़ेगा भैया, बहुत ही बढ़िया मैच, क्या सोच रहा होगा, क्या इस ओवर में क्या होगा, बाकी आखिरी 3 गेंदों में क्या होगा, हम भी कुछ नहीं कह सकते, तीन गेंदे 12 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार अच्छी कमबैक, अच्छा कमबैक, डॉट बॉल, 2 गेंदों पर 2 छक्के, बहुत ही बढ़िया मैच, वाओ एक्सीलेंट, वाओ भाई वाओ 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 एक्सीलेंट मैच, अब कमेंट्स को छोड़ो, अब मैच की तरफ आओ, जबरदस्त मुकाबला, 2 गेंदे 12 रन, ये बॉल है मैच, और अमजद भैया बॉल जाएगी ग्राउंड के बाहर,
भैया। एक बॉल आठ रन यार, एक बॉल आठ रन, बंदे ने जान डाली है, मैच बनाया, साथ देना चाहिए। अब इस बॉल पे अगर वाइड होता है या नो बॉल, नो बॉल वाइड ना होते तो ये मैच यकीनन यंग खान को कुछ चांसेस ज्यादा है, लेकिन किस के आप गेंद को कुछ निकाल नहीं जा सकता। अगर नो बॉल वाइड ना होते आठ गेंद है, आठ मैच एक गेंद पर बनाना मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। अगर छक्का भी लगाए तो भी सही रफी के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर नो बॉल वाइड ना हो आखिरी गेंद आठ मैच। अमजद खान राइट आर्म राउंड द विकेट, अपनी बॉलिंग के निशान पे तैयार, तमाशा ही अंदर आते हुए हल्ला गुल्ला करते हुए ग्राउंड में भागा शुक्रिया तेज हुए अंपायर से क्रॉस किया गेंद की और जीत गई यंग खान। यंग खान क्रिकेट क्लब यहाँ पर बहुत ही शानदार बैटिंग वकास की जानिब से, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। यंग खान क्रिकेट क्लब यहाँ पर जीतने में कामयाब हो चुकी है। यंग खान क्रिकेट क्लब यकीनन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाशा यहाँ पर आ चुके हैं। वेलकम वेलकम, जबरदस्त मुकाबले के बाद नादिर क्या हो रहा था, क्या लग रहा था आपको? यकीनन जबरदस्त मुकाबला, जल्दी ले कम उधर करते हैं, जबरदस्त भी तैयार कसम है, जबरदस्त मैच भी था, इसे के इसे किसे का जबरदस्त है।